गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने वो एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम को हमने देखना है आज, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। थोड़ा लंबा चलेगा बच्चे, क्योंकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इनसे ही बहुत क्वेश्चंस लगते हैं एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लगते हैं इन दोनों टॉपिक से। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा एनिमल किंगडम का, क्लासिफिकेशन से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। वो एनिमल जिसमें माउथ डेवलप होता है ब्लास्टोपोर को अपोजिट, वो क्या होते हैं? प्रोटोस्टोमिया, पेराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया या प्रोटिस्टा। चलिए आंसर करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वो एनिमल्स जो माउथ डेवलप करते हैं अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर, बताइए। दीजिए बच्चों करेक्ट आंसर। प्रोटोस्टोमिया, पेराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया या फिर प्रोटिस्टा। देखो पेराजोआ तो आपको पता है ना, अभी मैंने क्लास ली है उसमें बताया है कि पेराजोआ क्या है, आपका क्या है, एक फाइलम मतलब सब किंगडम कैटेगरी में आता है। आपका जो मेटाजोआ होता है ना बच्चे, मेटाजोआ आपका डिवाइड होता है दो में, एक तो होता है पेराजोआ और एक होता है यू मेटाजोआ, राइट। पेराजोआ या एक होता है आपका यू मेटाजोआ, तो टोटल 11 फाइलम मेटाजोआ में प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हैं आप। टोटल 11 फाइलम मेटाजोआ में प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक फाइलम आपका पैराजोआ में होता है, बाकी 10 यू मेटाजोआ में होते हैं। एक फाइलम जो पैराजोआ में होता है वो होता है आपका पॉरीफेरा, और बाकी जितने भी आपके निडेरिया, सिलेंट्रेटा जिसको बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंट्स, एस्किलमेंथिस, काइनोडर्मेटा, नॉन जो आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो सारे यू मेटाजोआ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पैराजोआ तो बच्चे ये कैटेगरी शो नहीं करता है, प्रोटोस्टोमिया भी ये कैटेगरी, ये पॉइंट शो नहीं करता है। कीर्ति फर्स्ट का ए नहीं बच्चे, ए नहीं है। लास्ट प्रोटिस्टा आपको पता है, आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। और वो साथ में आपके कैसी कैटेगरी शो करते हैं, वो आपका यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड होता है। तो ये भी नहीं है, ये भी आपका ब्लास्टोपोर के अपोजिट माउथ डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं बच्चे, ये एनस फॉर्मिंग होते हैं बिफोर माउथ, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनस फॉर्मिंग बिफोर माउथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है एनस फॉर्मिंग बिफोर माउथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए वो सी होगा, ड्यूटरोस्टोमिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म बायोलॉजी किसने दी थी, इंट्रोड्यूस की थी बच्चे, क्वाइन नहीं, आपका गिवन नहीं, इंट्रोड्यूस किसने किया था इनमें से, एरिस्टोटल ने, लमार्क ने, डार्विन ने या फिर लीनियस साहब ने, बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड? एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हिंदी में बोला है हमने, लेमार्क, डार्विन या फिर लीनियस। बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किसने की थी, बताओ। देखो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो लेमार्क रहेगा। लेमार्क ने आपका 1802 में, यानी कि 1802 में बायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें इन्होंने बताया था साइंस ऑफ लाइफ के बारे में, साइंस ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, ठीक है। तो टर्म देने वाले जो हैं वो आपके क्या है, लेमार्क है, और एरिस्टोटल जो है वो आपके फादर ऑफ बायोलॉजी हैं बच्चे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता फादर ऑफ बायोलॉजी तो आप एरिस्टोटल, अरस्तु का नाम लिखते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी लेमार्क, ठीक है, करेक्ट। चलिए वेरी गुड कीर्ति।
नेक्स्ट, हर्बीवोर्स सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर, पूछ रहे हैं वो मैमल्स जो हर्बीवोर्स भी हैं और सी के अंदर भी रहते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं। फॉलीडोटा, आपका केटेशिया, सिरेनिया या फिर आपका आर्टियोडेक्टीलिया, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से किस में सी मैमल्स हर्बीवोर्स होते हैं जो आपके सी में रहते हैं, किस ऑर्डर के अंदर आते हैं? फिलोडोटा, क्रिटेशिया, सिरेनिया या फिर आर्डियोडेक्टीलिया, करेक्ट आंसर देंगे बच्चों। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ये आ चुका है पहले एग्जाम में ना। देखो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सिरेनिया। बच्चे जो सिरेनिया ऑर्डर होता है ना, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फुली एक्वेटिक होते हैं, याद रखेंगे। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फुली एक्वेटिक होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सी काओ का, सी काओ आपका वो मैमल है जो सी के अंदर रहता है और हर्बीवोर्स भी है और आपका सिरेनिया ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है। भोलेनाथ थर्ड का सी, वेरी गुड भोलेनाथ, वेरी गुड। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स सी मैमल्स के, जैसे आपका सी काओ है, ड्यूगोंग है, मेनाटे है ना, लिख लेंगे ड्यूगोंग है, मेनेटे है। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है वून मैमल्स के जो हर्बीवोर्स हैं और सी के अंदर रहते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोरियो स्पॉन्जिया बिलोंग्स टू सब क्लास, देखो प्रोटो स्पॉन्जिया के बारे में पूछा है। स्पॉन्जिया ऑर्डर शो, मतलब स्पॉन्जिया का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, स्पॉन्जेस हैं, किस सब क्लास के अंदर आते हैं? फाइटो मेस्टिगोफोरा में, जू मेस्टिगोफोरा, सॉरी डेमोस्पॉन्जिया या फिर डेरेटोजा, क्या रहेगा करेक्ट आंसर फोर्थ के लिए? करेक्ट आंसर देंगे बच्चे फाइटोमेस्टिगोफोरा, जू मेस्टिगोफोरा, डेमोस्पॉन्जियल या फिर डेरेटोजा, फोर्थ सी। डेमोस्पॉन्जियल नहीं बच्चा, फोर्थ तो नहीं है। एनीबडी एल्स, और कोई है? देखो करेक्ट आंसर जू मेस्टिगोफोरा है। इसका मतलब क्या है बच्चे? ये वो फाइलम है, या फिर आप कह सकते हैं ये वो फाइलम जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, या कह सकते हैं फाइलम विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज इनकी जो बॉडी होती है वो स्फेरिकल और इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है बच्चे? बॉडी इनकी स्फेरिकल होती है एंड इलोंगेटेड होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में याद रखना है, विद सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, विद सेंट्रल न्यूक्लियस, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? जू मेस्टिगोफोरा रहेगा, जो प्रोटीरोस्पोंजिया इस वाली सब क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर, ये तो सब बच्चे बता देंगे ना। क्लासिफिकेशन की कॉमन यूनिट्स क्या है? कैसे ऑर्डर में आएगा? जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर, वेराइटी। देखो किंगडम इसमें नहीं दिया है, तो किंगडम के बाद वाले ऑर्डर्स जो है वो पूरे फॉलो करेंगे आप। इनमें से कौन सा है अरेंज करके बताइए, बोलो बच्चे। क्या आएगा सबसे पहले? जीनस, फैमिली, स्पीशीज, यही ऑर्डर है या डिफरेंट ऑर्डर रहेगा? ए बी सी डी में से बताइए, अरेंज करेंगे। देखो आप एक न्यूमॉनिक याद कर सकते हैं, के पी सी ओ एफ जी एस, राइट, ऐसे याद कर लेना आप, है ना, के पी सी ओ एफ जी एस। अब लगाइए ऑर्डर में,
अब ऑर्डर में लगा सकते हैं ना आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, अब बताइए इसमें से कौन सा पहले आएगा फिफ्थ के लिए। किंगडम है नहीं बच्चे, फाइलम नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यानी कि फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्लास नहीं है, ऑर्डर आएगा, फिर आपकी वैरायटी। तो इस तरह से आपका ए वाला फॉलो करता है ना। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्लियर है ना बच्चे। ए में क्या है आपका, सबसे पहले स्पीशीज है, राइट, फिर उसके बाद जीनस है, नहीं नहीं ये नहीं फॉलो करेगा बच्चे, पहले आपका फॉलो करेगा फैमिली, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और आपका क्या रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे वाला ऑर्डर रहेगा। ये वाला ऑर्डर आप फॉलो कर लेंगे बच्चे, इसमें हो सकता है आपका गलत वाला क्रम दिया हो, ठीक है, फिफ्थ का सी, वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ, फैमिली, स्पीशीज, जीनस और आपका वेराइटी, वेरी गुड कीर्ति। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का क्या रहेगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। आइडेंटिफाई करिए इसमें से कौन सा ग्रुप सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं सेम क्लास से। सिक्स के लिए सेम क्लास से इनमें से कौन से एनिमल बिलोंग करते हैं, डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैटिश, ये तो तीनों नहीं बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप, सेम क्लास से ये तीनों नहीं बिलोंग करते हैं चारों। उसके बाद आता है ग्लो वॉर्म, ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ये चारों बिलोंग करते हैं बच्चे सेम ही क्लास से। उसके बाद और भी देख लेते हैं, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, सी फैन, सी लायन, ये भी नहीं करते हैं सेम क्लास से, ये भी नहीं करते हैं, डिफरेंट है ये। नेक्स्ट आता है आपका सेंटीपीड, अर्थ वॉर्म, ये तो है ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स वो आपका बी होगा, ठीक है भोलेनाथ बच्चे, डी नहीं होगा, बी होगा। ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई और बेड बग, ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज, जब फॉसिल्स की डिस्कवरी हो रही थी तो उसकी इम्पॉर्टेंस को सबसे पहले एज अ इवोल्यूशन का एविडेंस किसने माना था, किसने रिकॉग्नाइज किया था, लियोनार्डो द विंसी ने, क्यूवियर ने, डार्विन ने या फिर लेमार्क ने, क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे। देखो डार्विन और लेमार्क तो आता ही नहीं, क्योंकि डार्विन ने क्या दिया था बच्चे, नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी दी थी, क्या दिया था इन्होंने, नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी के बारे में, जैसे इन्होंने HMS बीगल शिप में जाके 6 साल तक, अराउंड 5-6 ईयर्स तक इन्होंने यात्रा की थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, गैलापागोस आइलैंड पे विजिट किया, वहाँ पे डार्विन फिंचेस की डिस्कवरी की, नेचुरल सेलेक्शन के बारे में बताया। लेमार्क ने जिराफ पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये तो है नहीं, जिराफ पर इन्होंने क्या बताया था, उनकी लंबी गर्दन के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है, तो ये भी नहीं है। लियोनार्डो द विंसी है ही नहीं इस फील्ड में, तो ये भी गलत। जो जॉर्ज क्यूवर साहब थे, इन्होंने क्या किया, फॉसिल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस के से रिलेट करके कि कैसे ये इम्पोर्टेंट होते हैं फॉसिल्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है, वेरी गुड भोलेनाथ, कीर्ति वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड फॉर लैटिन वर्ड, इनमें से कौन सा लैटिन वर्ड है देखते हैं। देखो पॉरीफेरा भी लैटिन है, एनेलिडा भी लैटिन है और मोलस्का भी लैटिन है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों के तीनों ही लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है ना, समझ में आया बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाई कर लेना यहाँ पे, APY, एप्लीजिया बिलोंग्स टू द क्लास, एप्लीजिया किस क्लास से बिलोंग करता है बताएंगे, एम्फीन्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, विवाइलिया या सिफेलोपोडा। बताएंगे बच्चे एप्लीसिया किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीन्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बिवालिया या सिफेलोपोडा, क्या रहेगा करेक्ट आंसर नाइन्थ के लिए भोलेनाथ, सी बिवेलिया,
बिवेलिया करेक्ट आंसर नहीं है बच्चा, बिवेलिया करेक्ट आंसर नहीं है। एनीवन एल्स फॉर क्वेश्चन नंबर 9th? देखो करेक्ट आंसर गैस्ट्रोपोडा होगा बच्चे। गैस्ट्रोपोडा एक जीनस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, इज अ जीनस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल से लेके एक्सट्रीमली लार्ज तक हो सकते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा आपका जो एप्लीजिया बिलोंग करता है वो आपका गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि इज अ जीनस ऑफ मीडियम साइज टू एक्सट्रीमली लार्ज। जैसे सी स्लग्स होता है ना, आपने नाम सुना होगा सी स्लग्स का, तो सी स्लग्स आपके इसी क्लास में आते हैं। वो आपके मीडियम साइज से लेकर एक्सट्रीमली लार्ज साइज तक हो सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज साइज तक हो सकते हैं। तो सी स्लग्स आपका गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है और एप्लीजिया आपका गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड इन, पूछा है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज करके एक बुक है, वो कब पब्लिश हुई थी? 1809, 1858, 1956 या फिर 1859? ये तो सब बच्चे बता देंगे आंसर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ना। वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन एल्स? बताओ बच्चे क्या रहेगा आंसर। देखो जो करेक्ट आंसर है वो सही बताया इन्होंने, 1859 है। ये जो बुक है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन साहब ने लिखी थी, ठीक है। डार्विन ने इस बुक के अंदर अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, ब्राचनिक डिसेंट के बारे में भी थोड़ा बताया है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, और डार्विन किस साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे तो आप बता देंगे इसमें, रसेल साहब के, ठीक है, अल्फ्रेड वॉलेस, ठीक है। इनसे इन्फ्लुएंस होके डार्विन ने अपनी बुक के अंदर नेचुरल सिलेक्शन और कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज द टेस्ट, दिस वाज द टेस्ट फॉर दिस क्लास। अब आप मुझे अपने ये कितने मार्क्स आए आपके वो बताएंगे, आज के टेस्ट में कितना स्कोर किया है बच्चे बताइए। वेरी गुड राम बायोलॉजी, ए आर वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, वेरी गुड। कितने मार्क्स आए हैं? सिक्स आउट ऑफ एट बच्चे, क्वेश्चन तो 10 थे, 8 अटेम्प्ट किए आपने। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।